भारत ने G20 में कई मायनों में इतिहास रच दिया है। जिस चीन को लग रहा था कि शी जिनपिंग ही G20 का भविष्य तक करेंगे, उस चीन को भारत ने चारों खाने चित कर दिया। एशिया से अफ्रीका तक और अफ्रीका से यूरोप तक अब भारत ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका, अरब देश और यूरोपियन यूनियन ने पीएम मोदी को वो कमान सौंप दी है जिसने भारत को सुपर पावर बना दिया है। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। बर्बाद होगा चीन का BRI, आ गया भारत का IMEC। बुलंद भारत के बुलंद फैसले। G20 में भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना तो चीन को थी और ना उसके टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान को। भारत ने G20 के देशों के साथ मिलकर पूरे इलाके में समुद्री जहाज और रेलवे का ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला कर लिया है जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर को G20 की महाशक्ति बना देगा। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को तबाह और बर्बाद कर देगी। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर की ऐतिहासिक डील के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर के 8 देश हिस्सा हैं और ये डील आने वाले 10 साल में पूरा होगा और इसके बेशुमार फायदे हैं। दरअसल इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर की अहमियत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गेम चेंजर मोदी, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ इस ऐतिहासिक कॉरिडोर की घोषणा की। इस कॉरिडोर के तहत भारत मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसके लिए 8 देश मिलकर सबसे बड़ा रेल और जहाज का कॉरिडोर बनाएंगे जिसके जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। इसे चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब माना जा रहा है। 8 देश इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल है, जरा उन्हें भी जान लीजिए। भारत, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन यानी EU, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में शामिल हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के 2 हिस्से हैं। एक है उत्तरी गलियारा जो यूरोप को जोड़ेगा और दूसरा है पूर्वी गलियारा जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ देगा। सीधे सीधे चीन के BRI और CPEC के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले दिनों इस डील पर इशारों में कहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े देश एक बड़ी इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। साथ ही ये भी कहा कि कुछ नाम तो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। शायद उनका इशारा चीन की तरफ था। तभी जैसे ही G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का ऐलान हुआ, शी जिनपिंग का चीन बौखलाने लगा।